गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 9 क्लॉक्स भी दिए की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डे मेंशन करना है, चैप्टर में रिपीट नहीं करना बिकॉज हम पहले ही लिख चुके हैं। देन हैव यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ्स? हम क्लॉथ्स के लिए तो आप सभी के क्लॉथ्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? यस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, वेंट एंड इंसेक्ट। हम सभी लोग पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? हीट से, कोल्ड से, वेंट से एंड इंसेक्ट से। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज नीटिंग? नीटिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड नीटिंग। क्या होता है? एक सिंगल धागे का यूज करके एक फैब्रिक को बनाना, यानी कि धागों का यूज करके फैब्रिक को बनाना, इसको हम क्या कहते हैं? नीटिंग। जैसे आपने देखा होगा ऊन एक सिंगल धागा होता है, उसको फिर आपकी मम्मी जो बुन कर क्या बना देती है? फैब्रिक वूलन बना देती है। उस टाइप से सभी फैब्रिक बनते, चाहे कोई फैब्रिक हो। तो एक सिंगल धागे से फैब्रिक को बनाना क्या होता है? नीटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज इकार? इकार क्या होता है? इकार इज अ वे ऑफ ड्राइंग थ्रेड इनटू डिफरेंट कलर्स। क्या होता है? एक तरीका होता है कि जो थ्रेड होता है उसको अलग अलग कलर में करने का, यूजिंग देम फ्रॉम वेविंग। फिर क्या करते हैं? उसको वेविंग के लिए यूज करते हैं टू ऑब्टेन अ क्लॉथ डिजाइन। क्लॉथ पर डिजाइन करने का जो आपने देखा होगा कि मैंने आपको पिक्चर में बताया था, क्या होता है? एक तरीका होता है कपड़े को कलर करने का, फिर वेविंग करके एक जो क्लॉथ है उसकी डिजाइन को मिल जाती है, होता है एकार। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज टाई एंड डाई टेक्निक? टाई और डाई टेक्निक क्या होती है? टाई एंड डाई इज अ मेथड यूज्ड इन राजस्थान टू टाई क्लॉथ्स एंड डाई देम। क्या ये एक मेथड है जो कि कहाँ यूज होता है? राजस्थान में, टू टाई एंड डाई देम, उनको टाई करने के लिए कपड़ों को और डाई करने के लिए। इन दिस मेथड, इस मेथड में वी क्रिएट अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन क्लॉथ्स। हमें एक बहुत ही सुंदर पैटर्न क्लॉथ में मिलता है जिसको हम बंदेज बोलते हैं। तो कैसे मिलता है? टाई एंड डाई के मेथड को यूज करके। अब हम मीनिंग समझेंगे क्या होता है टाई, मतलब द मीनिंग ऑफ टाई। टाई का मतलब होता है मेक अ नॉट इन फैब्रिक। क्या होता है? फैब्रिक जो होता है उसमें एक नॉट बांध,